हेलो फ्रेंड, वी आर गोइंग टू सी द सीएन टावर टुडे। आज कनाडा च मौसम बड़ा साफ सुथरा रहे थे, बहुत ही बढ़िया है रे। ते असी चलने हैं देखने आज सीएन टावर, तू साडे नाल चलो। हुण असी डाउनटाउन दे इलाके च पहुंच चुके हैं। सीएन टावर जिहड़ा है टोरंटो दे डाउनटाउन दे एरिया विच आया है। हुण असी कार पार्किंग वल जा रहे हैं। आ गया जी सीएन टावर, आ गया जी। जिसकी हाइट है जी 1815 फुट हाइट है, तो यह 1976 बन के तैयार होया। पहली गल 1222 फुट ते वे, तो दूजी गल 1465 ते। असी हुण 1222 फुट वाली पहली गैलरी के उपर जा रहे हैं। असी बैठ गए लिफ्टे च, तुसीं देख दो लिफ्ट फटाफट उपर जा रही है लिफ्टे वाली। अप्रोक्सीमेट असी कह सकते हैं जी 120 मंजिल उपर, अगर असी मोटी गल करिए 120 मंजिल उपर। तुसीं लिफ्ट च देखते पे हो, नाल नाल तुहानूं डाउन टाउन भी दिखाई देता पिया है। असि उपर पहुंच गया गैलरी च। गैलरी है ये 14-15 फुट के करीब चौड़ी है, तो वो आस पास शीशे लगे चारों तरफ, गोल है गैलरी टावर के। चारों तरफ खोल के, चारों तरफ असं घूम घूम के पूरे टोरंटो को देख सकते। अज मौसम कुछ साफ सी, इस करके काफ़ी लोग आए हैं इतने घूमने उधर। तो यह जरा देखते पे ना, पानी कोई समुद्र नहीं है, ये झील है। इस झील तो ही नियाग्रा फॉल जाके पानी पैदा है। सोचो कि वही झील है, जस्ट लाइक एक छोटा जहा समुद्र, एड्डी वी झील है। तो झील के एज ते तो दिखाई दे रही ना एक ब्लू कलर की दिखती लाइन, दैट इज US। वो इतों US दिखाई देता इन्नी दूर, US का बॉर्डर है। आसमान से देखो बदल फिर आ गए, इस तरह ही है इतने टोरंटो का। और डोरी का मौसम चेंज होता रहता अक्सर। चारों तरफ उन्होंने शीशे लाए गैलरी के, तुम चारों तरफ टावर के चारों तरफ घूम के पूरे टोरंटो में देख सकते हो। वड़े वड़े शीशे लाए उन्होंने, फर्श तो लै गए छत तक पूरे पूरी हाइट में, चंगी तरह से दूर तक। Look,
इतने थोड़ा जहा एरिया में बनाया कैफेटेरिया, इतने बैठ के तुम आराम कर सकते हो, काफ़ी पी सकते हो, उसी तरह काफ़ी पीन लगे कुछ हल्का जो बैठते भी करा। अब देखो जी थोड़ा जहा उन्होंने ग्लास फ्लोर ही बनाया है, और नीचे बिल्कुल जमीन दिखती भी है, रोड थले दिख रही है, ऊपर शीशे ने थोड़ा जो बड़े हिस्से उन्होंने ग्लास फ्लोर बनाया ना, असं इन्हों पर चल के मजा लिया, डरन की कोई गल नहीं, बड़े पक्के ग्लास ने। हूँ असं थोड़ा उपर की मंजिल तो लैके चलोंगे, उपर की गैलरी जी इतनी चौड़ी नहीं हैगी, वो छोटी जी गैलरी चार पाँच फुट चौड़ी है, ज्यादा नहीं हैगी, तो उन्हें तो भीड़ ही कौन आती है क्योंकि उत्तर जाने वास्ते एक्सट्रा टिकट लगती है। ये असं उपर की गैलरी पहुँच गए जी, आज देखो उपर की गैलरी उन्होंने ज़्यादा पक्के तरीके ना लगाए शीशे, होर उपर जाके तेज हवा चल जाती, हूँ असं 22 मंजिल उत्ते होर आ गए, इस वक्त असी 1465 फुट उपर। देख सकते हो उत्थे गैलरी बहुत ही तंग गैलरी है, तो इन्नी ज़्यादा भीड़ भी नहीं हैगी, इतने इन्ने इन्ने लोग नहीं आए इतने, है ज़्यादातर पहली गैलरी तक ही आते हैं, और इस तो उपर भी है टावर, पर उत्थे आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। देखो नीचे कारा कि निकिया निकिया छोटी छोटी चलती भी है, रोड तो देखो तुम दिखाई देती हो, उपर की गैलरी राउंड में भी छोटी है, तो जल्दी बंदा देख के तो नीचे आ जाता, हर गैलरी उत्थे टिकट तो लिखा होता भी तुम किन्नी देर उत्ते रहना, उस तो बाद तुम थले आना पेगा अपने। देख सकते उपर की गैलरी च कोई भीड़ नहीं हैगी,
गर्मी में आएगा। चल कोई जिन्ना होना उन्हें जिन्ना होना कितों कितों तो गैलरी मुश्किल नाल तीन चार फुटी छोड़ी है। उपरों होर उपर आ गया तो होर बिल्डिंग छुट्टियां दिख दिया ने झील ही है जी वाली जी दिखती है जिस तरह समुंदर है जी न्यागरा फॉल तक जाती है इस झील चो पानी जाता न्यागरा फॉल डाउन टाउन एरिया दिख रहा है। हम असि जा रहे थले नीचे देखो हम अभी नीचे जा रहे कि स्पीड तक लिफ्ट जा रही है नीचे मुश्किल ना एक मिनट लगती है एक मिनट अच्छी थले पहुंच जाता बंदा जमें जमें असं जमीन के नेड़े नेड़े आई जावे चीज़ा व्डिया व्डिया हो जाए भी देखो बिल्डिंगा भी व्डिया व्डिया हो गई ने फिर अपने आप ही कारा व्डिया हो गई लोग व्डे हो गए सब कुछ आस्ता आस्ता देखो जमीन के थल जमीन के कोल पहुंची जाने असं थे नाल जमीन के नाल आ जाओ देखो रोड नीचे पहुँच गए बाहर निकलने लिफ्ट तो अगे आती है जी गिफ्ट शॉप आती है इन्हों की सी एंड डबर की जिथे तुम टी शर्ट्स की रिंग कप वगैरह होर बड़े सारे गिफ्ट आइटम मिलेंगे सी एंड डबर के सैमीनार जो अपने नाल लैके जा सकते हो अगर तुम शौक है तो जो सैमीनार इकट्ठे कर ठीक ने अच्छे लगते काफ़ी तरह की उन्होंने वैरायटी है तुम लै सकते अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ इतों तो तुम साडा सी एंड टावर का टूर देख देख लेता है तो असं हूँ बाहर आ रहे हैं जी सी एंड टावर के सी एंड टावर के बाहर आ गए साडा टूर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।